हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम एक एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे जो हमारी मॉडल के ऊपर बेस्ड है। पहले भी मैंने एक एक्सरसाइज आपको दी थी होमवर्क के लिए, वो आई होप कि वो आप कर चुके होंगे। तो आज हम एक और एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे जो मॉडल वर्ब के ऊपर है, ठीक है। तो माई मदर डैड्स कॉल्ड मी इफ आई डोंट गो बैक ऑन टाइम। वो कहता है मेरी मदर मुझे डांटेगी अगर मैं टाइम पे नहीं जाऊंगा, तो मतलब वो फ्यूचर में ऐसा करेंगी। तो यहाँ पे हम मस्ट नहीं आ सकते, कुड नहीं आ सकता, मे नहीं, यहाँ पे विल आएगा। तो इन द फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स वी पुट विल, ओके। तो सेकंड वन इज वन डैश रिपे ऑल देयर डेब्ट्स। हर किसी को क्या करना चाहिए, अपने डेब्ट्स जो उधार है वो रिपे कर देने चाहिए, ठीक है, मतलब पे करने चाहिए उनको। तो ये आप यहाँ पे यूज्ड टू नहीं आता, कुड टू नहीं आता। आपको लग रहा होगा कि मस्ट भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे जो प्रॉपर रहेगा वो रहेगा आपका और टू। वन और टू मतलब नीड है हर किसी को कि अपना डेब्ट जो है वो पे कर दे। द चाइल्ड डैश बी टेकन टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली। चाइल्ड को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल लेना है, ठीक है। द चाइल्ड मस्ट बी, मस्ट मस्ट क्यों है, मतलब बहुत ज्यादा अर्जेंट है कि उसको हॉस्पिटल लेना है। हो सकता है कोई एक्सीडेंट हुआ जो उसको लगी है। इमीडिएटली इट इज अर्जेंट दैट द चाइल्ड मस्ट बी टेकन टू हॉस्पिटल इमीडिएटली। तो फोर्थ वन इज योर आई डैश विजिट द लोकल ग्रोसरी स्टोर सून, ठीक है। आई डैश विजिट द लोकल ग्रोसरी स्टोर स्टोर सून। तो वो कह रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, आई शेल विजिट, मैं क्या करूंगा, जल्दी ही उसमें स्टोर करूंगा। कर सकता हूं नहीं है यहाँ पे, जल्दी ही करूंगा अभी। आई शेल विजिट ये फ्यूचर का है, ठीक है। आई डैश अरेंज द फ्लावर्स फॉर द बुके। तो वो कहता है फिफ्थ वन का इज योर आई कैन अरेंज द फ्लावर्स फॉर द बुके। मैं क्या कर सकता हूँ, अरेंज कर सकता हूँ फ्लावर्स को बुके के लिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द वेदर फोरकास्ट इट डैश स्नो हैविली टूमोरो। वो कह रहा है वेदर फोरकास्ट के अकॉर्डिंग इट माइट, क्या आएगा आपका, इट मे आ सकता है, इट माइट डिस्टेंस आपके उसके लिए भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी के लिए, तो हम मे माइट कुछ भी आ सकता है। तो इट मे स्नो हैविली टूमोरो, तो कल क्या होगा, हैविली स्नो होगा। तो डैश आई यूज योर मोबाइल टू कॉल माई मदर। तो क्या मैं आपका यूज कर सकता हूँ मोबाइल, मतलब आपके उसके लिए अपनी मदर को कॉल करने के लिए। तो आप परमिशन मांग रहे हैं, तो परमिशन के लिए मे का यूज होगा। तो मे आई यूज योर मोबाइल टू कॉल माई मदर, ठीक है। डू यू डैश नॉट स्पीक लाउडली इन द हॉस्पिटल। तो ये क्या आएगा इसका, यू नॉट मतलब यू मस्ट नॉट स्पीक। तुम्हें हॉस्पिटल में ये जरूरी है कि तुम्हें लाउडली नहीं बोलना है, बिकॉज देर आर सो मेनी एक्टिविटीज दैट आर परफॉर्म्ड एट द सेम टाइम। जैसे कोई ऑपरेशन थिएटर है, यहाँ पे पेशेंट्स हैं, आपका कंप्यूटर का वर्क चल रहा है, तो ये बहुत सारे काम्स होते हैं, काम होते हैं जो आपको नहीं मतलब, इसलिए यू मस्ट नॉट स्पीक लाउडली। तो डैश यू कम टू द प्रोम विद मी, कैन यू कम, क्या तुम आ सकते हो मेरे साथ मतलब डांस करने के लिए। तो प्रोम जो है, सॉरी ये स्पेलिंग गलत हो गया, इसका पी आर ओ एम होता है। तो प्रोम जो होता है ये आपका क्या है, प्रोम जो है ये एक डांस है, एक टाइप है डांस की। तो नाइन का आपका क्या आएगा, कैन यू कम, ठीक है। तो इट माइट रेन टूमोरो, माइट क्यों, क्योंकि डिस्टेंस पॉसिबिलिटी के मैंने लिए बताया था कि जब आपको लगता कि ऐसा होगा कल, तो वो क्या है आपका माइट आता है वहां पे, ठीक है, डिस्टेंस पॉसिबिलिटी के लिए। माई पेरेंट्स डैश अराइव सून, मेरे पेरेंट्स जल्दी ही पहुंचेंगे, ठीक है। तो माई पेरेंट्स शेल या विल भी आ सकता है, माई पेरेंट्स विल अराइव सून, वो जल्दी ही पहुंचेंगे, ठीक है। मैडम डैश यू रिपीट व्हाट यू सेड, मैम मैडम कुड यू रिपीट, क्या तुम वो रिपीट कर सकते हो जो आपने कहा था, वो आप रिपीट कर सकते हो, तो कुड आएगा यहाँ पे, ठीक है। डैश ऑल योर विशेस, आप बोलते हो मे गॉड ब्लेस यू, तो ये सब चीजें आप कर बोलते हो ना, मे का यूज करते हो, तो यहाँ पे ऐसे आएगा कि मे ऑल योर विशेस कम ट्रू इन लाइफ। तो ये आपकी एक एक्सरसाइज होगी, इसमें 13 सेंटेंसेस थे। तो नेक्स्ट ये जो है आपका, ये एक मतलब पैराग्राफ दिया गया, इसी में आपको फिल करना है, ठीक है। जैसे स्टडीज डैश बी वेरी इंपॉर्टेंट बट हेल्थ डैश नेवर बी ट्रीटेड एज लेस इंपॉर्टेंट। वो कह रहा है स्टडीज जो है
वो मे बी वेरी इंपॉर्टेंट, वो हो सकता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हेल्थ शुड नॉट बी ट्रीटेड एट लेस इंपॉर्टेंट, लेकिन हेल्थ को हमें लेस इंपॉर्टेंट ट्रीट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ शुड आएगा, यहाँ मे आएगा। तो यू डैश हैव हर्ड द प्रॉब्लम, वो कहता है यू मस्ट हैव द, मतलब तुमने ये सुनी होगी जो तुम्हें सुननी चाहिए कि तुम्हें हेल्थ जो है वो क्या है, वही वेल्थ है। मोर एवर यू डैश हेल्दी, मतलब मोर एवर यू कैन हैव, तुम्हारा एक हेल्दी माइंड हो सकता है इफ यू हैव अ हेल्दी बॉडी। आप तभी कब हो सकता है हेल्दी माइंड, अगर तुम्हारी बॉडी भी हेल्दी है। एंड द माइंड कैन टर्न अनहेल्दी, और वो कह रहा है माइंड तुम्हारा अनहेल्दी भी हो सकता है अगर बॉडी अनहेल्दी है। ठीक है, इट मीन्स हेल्दी माइंड कीप्स, मतलब हेल्दी बॉडी कीप्स अ हेल्दी माइंड। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड फुली वेल हाउ यू कैन कीप यूर बॉडी हेल्दी। तो वो कहते हैं मैं आशा करता हूँ कि तुम समझते हो कि कैसे तुम अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हो। इट इज नॉट थ्रू गुड डाइट अलोन, ये अकेला गुड डाइट के कारण नहीं होता, इवन द बेस्ट ऑफ द डिशे डाइट। वो कहता है इवन जब आप मतलब बेस्ट डाइट लेते हो तो मे नॉट गिव यू गुड हेल्थ, वो हो सकता है तब भी आपको गुड हेल्थ ना दे। ठीक है, लेकिन अ गुड डाइट वो शुड बी एकम्पेन्ड बाय गुड एक्सरसाइज। वो कैसे मतलब कैसे उसको लेना चाहिए गुड डाइट के साथ, क्या होना चाहिए, गुड एक्सरसाइज भी होनी चाहिए। तो एक्सरसाइज यहाँ फूड शुड भी आ सकता है, कैन भी आ सकता है। एक्सरसाइज शुड कंसिस्ट ऑफ अ वॉक एंड समथिंग ऑफ अ सॉर्ट, वो एक वॉक की तरह भी हो सकती है और कुछ और भी हो सकता है जो आपके मतलब एक्सरसाइज हो सकती है। डोंट वरी, वो कहता चिंता मत करो, एक्सरसाइज नीड नॉट टू बी टेकन, अब नॉट है तो नीड आ जाएगा, मतलब एक्सरसाइज डेली लेने की जरूरत नहीं है। यू कैन स्पेयर, तुम क्या कर सकते हो, कुछ मिनट स्पेयर कर सकते हो अपने उस पे, दे सकते हो कुछ मिनट इवनिंग में और मॉर्निंग में जो कि आपकी नेसेसरी एक्सरसाइज है उनके लिए। तो ये आपके मैंने आज फिल कर दी है, ये एक पैराग्राफ था, और नेक्स्ट जो मैंने आपको प्रीवियस वो दी थी ये आपकी रहेगी नेक्स्ट प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो मॉडल्स के लिए। आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, पढ़िए मॉडल्स को अच्छे से रिवाइज कीजिए, देन इसको फिल कीजिए कि किस तरह से इसमें कौन कौन सा मॉडल फिल होगा। तो नेक्स्ट ये आपकी पीछे वाली जो मैंने आपको दी थी प्रैक्टिस के लिए उसके आंसर से हैं। जैसे फादर कुड यू गो टू द पोस्ट ऑफिस, यस नो, एंड सेंड दीज लेटर्स वाई रजिस्टर्ड पोस्ट पोस्ट, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा। वो कह रहा है कि क्या तुम ये पोस्ट कर सकते हो अभी, ये जो रजिस्टर मतलब लेटर्स हैं रजिस्टर पोस्ट के द्वारा, क्या तुम अभी पोस्ट कर सकते हो। सन कह रहा है देयर माइट बी अ रश एट दिस आवर, वो कहता है वहां पे इस टाइम पे रश हो सकता है। मोर एवर आई कैन नॉट गो टू पोस्ट ऑफिस ऑन फुट, और मैं मतलब अपने पैदल भी नहीं जा सकता, कहाँ पे कैन आएगा पोस्ट ऑफिस में। फादर बट वाई शुड यू गो ऑन फुट, वो कहता है लेकिन क्यों तुम्हें उस पे जाना है, मतलब तुम्हें क्यों उस पे जाना चाहिए कि फुट पे तुम क्यों जा रहे हो। व्हाट हैपन टू योर स्कूटर, तुम्हारे स्कूटर को क्या हुआ। सन इट हैज नो पेट्रोल, वो कह रहा है उसमें पेट्रोल नहीं है। आई कुड नॉट गेट इट फिल्ड बिकॉज देयर वॉज अ स्ट्राइक एट द पेट्रोल स्टेशन, वो कह रहा है मैं उसे फिल नहीं कर सका था, ये पास्ट की वो बता रहा है तभी कुड का यूज किया क्योंकि वहां पे स्ट्राइक थी। फादर ओके कैन यू यूज माई यू कैन यूज माई स्कूटर, वो कहता तुम यूज कर सकते हो मेरा स्कूटर, बट यू मस्ट पोस्ट द लेटर टूडे, लेकिन तुम्हें आज ही ये मस्ट है, जरूरी है कि तुम्हें आज ही लेटर को पोस्ट करना है। देर आर वेरी अर्जेंट, दे कुड आर माइट, मतलब कुड भी आ सकता है माइट भी आ सकता है। वो कहता है अगर पोस्ट नहीं करोगे तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, सफर ए लॉस इफ दे वर डिलेड, अगर ये लेटर डिले हो जाएंगे तो बहुत सारी चीजें सफर करेंगी। तो ये आपकी जो प्रीवियस मैंने एक्सरसाइज दी थी उसके आंसर था, आप मैच कर लीजिए। बहुत कभी ऐसे हो सकता है कि एक जगह पे दो मॉडल भी एडजस्ट हो जाते हैं, ये दो मॉडल भी आ सकते हैं, तो आप अकॉर्डिंग टू प्रॉपर मतलब उसका देखिए कि कौन सा मॉडल प्रॉपर अप्रोप्रिएट है वहां पे फिल करने के लिए। सो गाइज ये आपकी अभी वीडियो होगी, और ये आपका जो पीछे वाला इसका है वो उसका आपकी होमवर्क हो गया, और इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Okay friends, thanks for watching my video. If you like my video, then please like, share and subscribe my channel.